हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। निशंक जी, आप दोहरी भूमिका में रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, फिर एक बार जीत के आए हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड पांच की पांचों लोकसभा आप जीत गए हैं, वहां पे आपकी सरकार है, लोगों की अपेक्षाएं वहां ज़्यादा होंगी आपसे और आपको अपने एजेंडे पे खरा उतरना होगा, खासतौर से आप जब हिमालयन स्टेट की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं? स्वाभाविक ही है, जब चुनाव होता है उससे पहले उसके बाद ये अपेक्षाएं होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन हम अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं उसका प्रमाण तो है ये कि हम उत्तराखंड की पांच के पांच सीटों को लाखों मतों से जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी अपेक्षाओं पर खरा भी उतर रहे हैं, जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं अपने काम को दिखाकर। और उधर जो मोदी जी का जिस तरीके का काम है, उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम, जो बीच का सेतु बन करके हम प्रतिनिधि करते हैं, उसमें भी हम सफल रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो मोदीमय वातावरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसका परिणाम ये है। आगे भी लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी, बढ़नी भी चाहिए। अपेक्षाएँ हमेशा उससे बढ़ती हैं जो काम करता है, जो रिजल्ट दे सकता है, जिसका अपना विजन है, जिसका अपना मिशन है, उसे अपेक्षाएं, जो अपने घर से बाहर ही ना निकले, जिसका कोई सोच ही ना हो, जो समझ ही ना हो, जिसमें छटपटाहट ना हो, उसे क्या अपेक्षा करेंगे लोग? नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि अब नई सरकार बन रही है, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व होना है, पिछली बार भी रहा था। आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा ये है कि अगर सरकार और सांसद दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें तो सरकार में शामिल होने के बावजूद भी वहाँ पे काम किया जा सकता है? नहीं नहीं ये दोनों पार्ट अलग है, ये काम होना अलग है, और सांसद और मंत्री बनना और सरकार, ये दूसरा पार्ट है। गवर्नमेंट जब काम करती है तो वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, ये प्रतिनिधियों के तो काम होता है। तो बेहतर वो, चाहे वो प्रतिनिधि मंत्री है और चाहे वो सांसद है, अब मंत्री भी प्रतिनिधि होता है, तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं वो जिनके लिए काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। और ये हमारी सफलता रही है कि हम लोग इसको साबित करने में सफल हुए हैं कि हाँ, जो मोदी जी की सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है वो आम आदमी तक पहुँच रहा है, और पहुँचाया हमने, तभी आम आदमी का मन बदल करके मोदी जी को दोबारा हर हाल में प्रधानमंत्री बनाना है, ये उसके मन में ये विचार आया और वो तूफान बन गया। ठीक, निशंक जी, इस बार आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आपको क्या लगता है कि क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, उत्तराखंड तो अपने आप में पूरे विश्व का एक ऐसा केंद्र है जहाँ किसी भी मन का आदमी और किसी भी भावना का आदमी, किसी भी परेशानी का आदमी और किसी भी वजन का आदमी वहाँ आता ही आता है। जिस जो जिस रूप में आना चाहता है वो आता है, और वहाँ से नया विचार और अच्छा विचार लेकर के वो पास जाता है। तो पहला काम तो हमारा है, उस धरती को कैसे पल्लवित करें, सुसज्जित और सज्जित करें, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती, क्यों क्योंकि ये उत्तराखंड केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, ये पूरी दुनिया का केंद्र है। हमारे चार धाम हैं, एक तरफ तीर्थाटन वाला आते हैं, दूसरी तरफ पर्यटक आता है, क्योंकि धरती का स्वर्ग है, एक तरफ दैवभूमि ही चार धाम, दूसरी तरफ पर्यटन का जो प्रकृति का सौंदर्य, बेशुमार सौंदर्य इतना है कि लगता है कि प्रकृति ने सब कुछ इधर ही किया है, तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो जो लोग आए वो व्यवस्थित करके आए, हम उनको दर्शन करा सकें, और वही पर्यटन और तीर्थाटन हमारी आर्थिक रीढ़ भी है वहाँ की, तो उसको हम व्यवस्थित करना है। हमको बहुत कुछ किया है, अब जहाँ तक हरिद्वार की बात है, हरिद्वार भी दुनिया की आध्यात्म की तो राजधानी है, और कुंभ को हमने विश्व धरोहर घोषित किया तो हरिद्वार विश्व धरोहर में आ गया। अब हम उसको और कैसे करके व्यवस्थित करेंगे, जैसे हम लोगों ने रिंग रोड के लिए लगभग 5,500 करोड़ की स्वीकृति कराई, अब वो रिंग रोड बनाएंगे हम हरिद्वार में, भूमिगत जो है विद्युतीकरण का है, विद्युत कनेक्शन देने का है, भूमिगत जितनी लाइनें हैं वो भूमिगत जाएंगी, तो ये काम हो रहा है सैकड़ों करोड़ का, अभी हरिद्वार में 1,000 करोड़ का काम हो रहा है, तो उसको पूरा करना जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। सर, ये कुंभ क्या एक बड़ी चुनौती है इस बार, जिस तरह से इलाहाबाद में उसको दिव्यता भव्यता दी गई, बहुत आप
इसके पहले भी आपने कराया था, बहुत देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग आए थे, तो कुंभ एक कहीं चुनौती है बड़ी, जिस तरह से वहाँ भीड़ बढ़ेगा, क्राउड बढ़ेगा, जगह उतने घाट पे है नहीं? नहीं नहीं चुनौती तो होता ही है कुंभ। अब आपको पता नहीं है कि कितने लोग आएंगे, अनुमान है ना, आप निमंत्रण छपाते हैं और ना आप जो है वो आने वाले लोगों पर रोक लगा सकते हैं। तो ये दुनिया का अद्भुत है कि किसी को पता नहीं कि कितने लोग आ जाए। 2010 का जो कुंभ था वो एक ही दिन में एक ही स्थान पर 1,66,00,000 लोग इकट्ठा हो जाए, जितने उस प्रदेश की कुल आबादी है उसका भी 1.5 गुना। तो इसका मतलब ये है कि उसकी उतना चौकस व्यवस्थाओं के प्रति रहना होगा आपको। तो चुनौती तो है, छोटी चुनौती थोड़ी है, और उस चुनौती को हम बहुत अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करते हैं। जो आने वाला कुंभ है उत्तराखंड की धरती पर वो भी बहुत खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमने उत्तराखंड की धरती पर 2010 का जो कुंभ किया था उसने पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाया। वो दुनिया में अभी तक धरती का सबसे बड़ा उत्सव हुआ है, और मैं समझता हूँ जब उसी अभियान को लेकर के हमने विश्व धरोहर भी कुंभ को घोषित हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय का कुंभ जैसे इलाहाबाद हुआ उसी ढंग का और अपनी भव्यता लिए उत्तराखंड का भी होगा। एक आखिरी सवाल है निशंक जी, आपने सरकार चलाई है उत्तराखंड में, जब केंद्र में अलग रही सरकारें, प्रदेश में अलग सरकारें रही, जब डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र प्रदेश में एक साथ, तो आपको लगता क्या स्मूथनेस आ जाती है, क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं फर्क तो पड़ता ही है, कम फर्क तो पड़ता है। अब मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया मैं उसको संवारूंगा, और वो संवार रहे हैं। यदि हमारी यहाँ सरकार नहीं होती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो क्या हमको 12,500 करोड़ का चार धाम महायोजना मिलती? युद्ध स्तर पर काम हो रहा है 24 घंटे और रात और दिन सुरक्षित यात्रा, और उसके लिए इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ी राशि। उधर कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन हो रही जो 90% सुरंग में जाएगी, और हजारों 16,500 करोड़ रुपए लग रहा है। लगभग 50,000 करोड़ के काम इस समय उत्तराखंड की धरती पर हो रहे हैं, तो ज़्यादा ही हो रहे होंगे। तो जो ये काम हो रहे हैं तभी तो संभव हुआ जब ये इंजन इधर मजबूत है और उसी इंजन के तहत उधर दूसरा इंजन भी आया है, तो ये दोनों मिलकर के और अच्छा डबल इंजन तो अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निशंक जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि पर्यटन को उत्तराखंड में बढ़ाना, वहाँ के रीढ़ को मजबूत करना आर्थिक, और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती कुंभ को सकुशल निपटाना शायद इनके लिए एक चुनौती होगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज़ बड़ा इंडिया, दिल्ली।